नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपना मैक मिनी का सेटअप दिखाने वाला हूं। बहुत मजेदार होने वाली है वीडियो। तो दोस्तों सारे जो गाइस हैं उनसे मिलवाते हैं। तो ये जो गाइस हैं ये हैं एपीसी की यूपीएस जो कि 600BX है और बहुत शानदार चलती है। उसके साथ ही साथ ये माउस है दोस्तों, और ये माउस है एचपी का, जिसको मैं वायर माउस है इस मैक मिनी के साथ यूज करता हूं। एचपी का कीबोर्ड है और मैं इसी के साथ यूज करता हूं। उसके साथ ये गेमिंग माउस पैड है जैसा कि देख रहे हैं यूरो का, और बहुत ही शानदार क्वालिटी में है। इन सारी चीजों पर मैं वीडियोज बना दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों ये है बोट स्टोन 1000 का, जो कि मैं स्पीकर यूज करता हूँ वीडियो एडिटिंग वगैरह में, या कोई मूवी देखना हो या गाने सुनना हो। और स्पीकर की बात आई तो एक होम थिएटर भी इसके साथ मैं इस मैक मिनी के साथ कनेक्ट करता हूँ, वो ये है। ये है दोस्तों, देख रहे हैं कि ये इस कंपनी का मैं यूज करता हूँ, और इस तरह से ये बार है। बहुत ही शानदार क्वालिटी की साउंड प्रोड्यूस करती है, और इसमें कोई मूवीज वगैरह नेटफ्लिक्स देखना है तो अद्भुत मजा आ जाता है। उसके साथ ये जो मॉनिटर देख रहे हैं दोस्तों, ये मॉनिटर है वन प्लस की, और उसके साथ ही साथ ये एक कवर है मैक मिनी का, जो कि इस पर मैं रिसेंटली वीडियो बनाया हूँ, इसको मैं खरीदा था। और पीछे का कनेक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से एक बोर्ड है, और ये जो बोर्ड में जो कनेक्शन जाता है तो यहाँ से ये कनेक्शन जाता है और इसमें जाता है। यहाँ से दोनों मिनी का है और ये आपका मॉनिटर का है वन प्लस का, और यहाँ से इसके जो अडेप्टर वगैरह है। और दोस्तों इसमें मैं SSD रखा हूँ सैमसंग का, धूल वगैरह से बचाने के लिए। तो ये सारे इस तरह से वायर मैं एडजस्ट करके रखा हूँ। पीछे से आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैं वायर को कनेक्ट करके रखा हूँ। तो दोस्तों चलिए बारी बारी से इन सभी चीजों को कनेक्ट करते हैं। तो इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक नहीं करते हैं, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मोस्टली लोग सिर्फ देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे विनती है कि सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग के लिए और उत्साहित होकर के अच्छा अच्छा वीडियोज आप लोग के लिए लेकर के आऊं। तो दोस्तों बिना देर किए हुए चलिए सबको कनेक्ट करते हैं और चालू करके देखते हैं और सारा सेटअप तैयार करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस मैक मिनी जो M2 है, इसको मैं इस कवर में रख देता हूँ। वो कवर इसलिए कि घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो इसको खराब ना कर दें, और इसको टच करते रहते हैं, बहुत अच्छा फील होता है इसको टच करने में, इसलिए तो इस कवर में मैं इसको रख देता हूँ। तरीके से ये मैक मिनी इसमें आ गई, और यहाँ से इसको इस तरीके से बिल्कुल टाइटली पैक कर देता हूँ। तो ये पूरी तरह से ये सुरक्षित हो गया है, और यहाँ से आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, मैक मिनी को खड़ा करके भी रख सकते हैं। इसको सबसे पहले यहाँ पर रख देता हूँ। और दोस्तों ये जो बोट स्टोन है, इसको चूंकि ये वायरलेस मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ ब्लूटूथ से, तो इसको इसकी जगह पर रख देता हूँ। तो इसको चलिए यहाँ रख देते हैं, ताकि पीछे से ये साउंड प्रोड्यूस करे मैक मिनी के पीछे से, तो बहुत ही कूल इफेक्ट होगा, क्योंकि ये वायरलेस है तो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब बाकी बचा ये चीज, CPU को सर्वप्रथम दोस्तों इस तरफ से इधर मैं रख देता हूँ। इस तरीके से ये टेबल के पीछे मैं इसको सेट कर दिया हूँ। तो चलिए इसको यहाँ से किसी भी सॉकेट में इसको लगा देता हूँ। इस तरह से पूरी तरह से ये फिट हो गया है। तो ये UPS का ये जो पूरा कनेक्शन क्लियर हो गया, बोर्ड में करंट जा रही है, और उसके साथ ही साथ देखना है कि ये सारा मॉनिटर का और मैक मिनी का कनेक्शन भी है। तो चलिए बारी बारी से सब करते हैं। और ये माउस का वायर यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो दिया गया है इसके अंदर से पीछे कर दिया हूँ, और यहाँ से दोस्तों एक HDMI का जो ये मॉनिटर है, मॉनिटर का जो केबल है HDMI का निकाल दिए हैं, और यहाँ से इसका इसमें जो पावर आता है DC वो कर दिया हूँ। तो इस तरह से, और ये टेबल का लुक कर दिया हूँ इस तरह से। यहाँ पर मैट लगा दिया हूँ, कीबोर्ड यहाँ पर मेरा कीबोर्ड रहेगा, उसके साथ ही यहाँ पर माउस रहेगा। आगे का जो सेटअप है एकदम क्लीन रखिए, ताकि बहुत ही मजा आ जाए। तो ये मैक मिनी है जिसको अभी मैं कवर लगाया हूँ, और पीछे का जितना सा वायर है ये सारा कुछ मैं लाया हूँ कनेक्शन करके, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बारी बारी से इस वायर को मैं लगा देता हूँ। तो सबसे पहला ये है SSD का, जो Type-C से मैं इसको कनेक्ट करके रखा हूँ। तो चलिए इसको इस तरीके से यहाँ लगा दूं। और उसके बाद दोस्तों ये जो है मेरा माउस का है, जो कि मैं अभी बताया था, तो ये माउस का है, यहाँ से मैं इसको सेट कर दिया। तो माउस का और कीबोर्ड का हो गया, और यहाँ एक SSD का हो गया जो कि थंडरबोल्ट से किया हूँ। उसके साथ ही साथ एक मॉनिटर का है जो कि ये वन प्लस का है, यहाँ पर आपको केबल देखने को मिल जाएगा जो कि HDMI है। तो HDMI से इसको मैं कनेक्ट कर दिया। यहाँ से ये चार पोर्ट हो गए, चार पोर्ट यूज हो गए। अब मेन पोर्ट जो मेरा है वो है ये पावर, जो कि मैक मिनी में जाएगा। तो मैक मिनी का पावर लगाते समय आपको ध्यान देना है कि ये पूरी तरह से इसको प्रेस करना, नहीं तो आधा ही रह जाएगा और ये बार बार प्लग आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका मैक मिनी खराब होने की आशंका है। तो इसको पूरी तरह से अंदर तक इस तरह से एडजस्ट कर देना है जब तक ये अंदर नहीं चला जाता। ये पूरी तरह से ये अंदर चला गया, और अब मैं इसको ऑन करके दिखाने वाला हूँ आपको। मैं दिखा दूं कि ये टेबल कितना क्लीन लग रहा है, कितना गुड लुक लग रहा है। तो आप देखिए ऑन होने के बाद ये कैसा लुक प्रदान करता है। शानदार तरीके से ये टेबल सज गई है, और देखने में भी बिल्कुल
कमाल का दिख रहा है। और देखिए ये बिल्कुल कितना फास्ट तरीके से मैक मिनी शुरू हो गई। दोस्तों ये था आज का सेटअप। तो ये पूरी तरह से आपका टेबल रेडी हो गया है, तो इस प्रकार से ये आपका लुक दिखेगा। दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ये पूरा कंप्लीट तैयार हो गया है। पीछे एक स्पीकर रह गया है और आगे माउस है, माउस पैड है, मैक मिनी है, और यहाँ से देख रहे हैं कि मेरा UPS है, उसके साथ वायर जो है पीछे है, इतना सारा वायर दिख नहीं रहा है। तो वायर का भी जो आगे बहुत ही खराब लुक प्रदान करता है वो भी झंझट खत्म हो गया है। और अगर मैं चाहूं तो इसको वायरलेसली ब्लूटूथ से, होम थिएटर है, इसको कनेक्ट करके मैं लुक उठा सकूं। तो दोस्तों ये था वीडियो। अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।